डियर स्टूडेंट्स, लेट अस स्टडी सेकेंडरी सेल्स। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्राइमरी सेल्स, प्राइमरी सेल्स में मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी सेल्स आर दोस विच कैन बी यूज्ड ओनली वंस। एक बार हम उनको यूज करें उसके बाद फिर से हम उनको रिचार्ज नहीं कर सकते, फिर से उनको हम यूज नहीं कर सकते, दैट इज दे बिकम डेड आफ्टर देयर यूज। सेकेंडरी सेल्स में क्या है, even after use they can be used again by recharging, that is these are the cells which can be recharged after use and thus can be used again and again। secondary cell ka jo basic principle hai wo kya hai ki they convert chemical energy into electrical energy through a reversible chemical reaction, yani ke jo electrochemical reaction during the प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हुआ, अब इन सेल्स ने हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, आफ्टर देयर यूज उन्हीं रिएक्शंस को हम रिवर्स कर सकते बाय पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट। मतलब पहले ये सेल्स एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल काम करेंगे, बाद में जब इनको हम रिचार्ज करेंगे दे विल बी एक्टिंग एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, वी विल बी रिवर्सिंग द रिएक्शन बाय पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट। इसकी दो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं बच्चे, टू इंपॉर्टेंट टाइप्स, वन इज लेड स्टोरेज बैटरी, सेकंड इज निकल कैडमियम स्टोरेज सेल। लेड स्टोरेज बैटरी इज इंपॉर्टेंट, लेड स्टोरेज बैटरी इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बैटरी इन ऑटोमोबाइल्स, कार्स में, बसेस में आप देखें इस बैटरी का इस्तेमाल होता है। आज की डेट में इसका घरों में भी, आप अपने घर में देखें, घरों में भी इसका इस्तेमाल होता है एज अल्टरनेट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। जो मोस्ट कॉमन लेड स्टोरेज बैटरी है दैट इज 12 वोल्ट, लेकिन जो एक सेल है इसका, वन सेल ऑफ दिस लेड स्टोरेज बैटरी दैट प्रोड्यूसेस ओनली 2 वोल्ट। इसका मतलब है कि 12 वोल्ट की बैटरी को बनाने के लिए हमें 6 सेल्स की जरूरत पड़ेगी। इट कंसिस्ट ऑफ 6 सेल्स ईच प्रोड्यूसिंग 2 वोल्ट ऑन दिस 12 वोल्ट लेड स्टोरेज बैटरी। अब इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है बच्चे, ये जो सेल है, ये जो बैटरी है, इट कंसिस्ट ऑफ लेड एनोड एंड लेड डाइऑक्साइड विच इज पैक्ड इन लेड ग्रिड एज कैथोड। मतलब लेड इसमें काम करता है बच्चे एनोड का, और लेड डाइऑक्साइड इसमें काम करता है कैथोड का। ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं आप देखें यहाँ पे, ये दी हुई है इलेक्ट्रोड्स, इनको अल्टरनेट पोजीशन में अरेंज किया होता है, मतलब एक कैथोड एक एनोड, यार अरेंज अल्टरनेटली सेपरेटेड बाय थिन प्लास्टिक और फाइब्रस फाइबर ग्लास शीट। और जो इलेक्ट्रोलाइट हमने इसमें लिया है दैट इज 38% बाय मास H2SO4, जिसकी डेंसिटी अराउंड अबाउट 1.31 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के तौर पे काम करता है, व्हेन इट इज फुली चार्ज्ड, उस वक्त इसकी जो डेंसिटी होती है H2SO4 की, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे यूज कर रहे हैं, दैट इज 38%। तो ये इसकी बच्चे कंस्ट्रक्शन है। इसमें जो एक और इम्पॉर्टेंट बात आप देख रहे होंगे, इसमें कैथोड्स आर जॉइंट टुगेदर एंड एनोड्स आर जॉइंट टुगेदर। एनोड को एनोड से जोड़ना है बच्चे, कैथोड को कैथोड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैंने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इसकी दी है, इसमें मैंने 6 वोल्ट लेड स्टोरेज बैटरी को रिप्रेजेंट किया है। आप देखिए मैंने 3 कैथोड और 3 एनोड्स का इस्तेमाल किया है, है ना। इसका मतलब मैं 3 सेल और 1 सेल कितनी वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी देता, 2 वोल्ट, टोटल कितना हो गया बच्चे 6 वोल्ट। अब इसमें जो सेल रिएक्शन होते हैं वो हमने स्टडी करने हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि पहले ये काम करेगा एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इट विल एक्ट एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दैट इज वेयर कनेक्शंस आर मेड, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होगा और ये हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करके देगा। दिस सेल विल गिव अस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ड्यूरिंग इट्स डिस्चार्जिंग और ड्यूरिंग इट्स यूज, जब आप इसको यूज करते हैं एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फॉलोइंग रिएक्शंस आकर, ये रिएक्शंस हैं बच्चे, ये रिएक्शंस मैंने डिटेल में यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इनको यहाँ से देख सकते हैं। तो ड्यूरिंग इट्स यूज लेड स्टोरेज बैटरी में क्या रिएक्शंस होते हैं, एड एनोड, एनोड किसकी बनी है बच्चे, एनोड बनी है लेड की, है ना। इट लूजेज इलेक्ट्रॉन
एनोड का काम है इलेक्ट्रॉन लूज करना, आपको पता है एनोड पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इट गिव्स टू पॉजिटिव प्लस टू इलेक्ट्रॉन। एज सून एज लेड टू पॉजिटिव इज फॉर्म, इतना आप याद रखें, ये जो इलेक्ट्रोड है किसमें सस्पेंडेड है, दे आर सस्पेंडेड इन 38% सोल्यूशन ऑफ H2SO4। मतलब जो हमारी इलेक्ट्रोड है उसको कौन सराउंड किए हुए है, सल्फेट आयंस। एज सून एज लेड टू पॉजिटिव इज फॉर्म एट द एनोड इट एडवांस कंबाइंस विद द सल्फेट नेगेटिव आयंस टू फॉर्म लेड सल्फेट, द लेड सल्फेट सो फॉर्म स्टिक्स टू द इलेक्ट्रोड। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमारी जो इलेक्ट्रोड है वो डिजोल्व नहीं हुई, अगर इलेक्ट्रोड डिजोल्व हो जाए बच्चे तो फिर उस सेल रिएक्शन को हम रिवर्स नहीं कर सकते, फिर हम सेल रिएक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते। क्यों बच्चे? क्योंकि चाहे आपने इसको एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यूज करना चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, यू नीड द इलेक्ट्रोड, इसी इलेक्ट्रोड ने लेड सल्फेट ने काम करना इसका बच्चे इलेक्ट्रोड का, जब हमने सेल रिएक्शन को रिवर्स कर। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो हमारी इलेक्ट्रोड है वो डिजॉल्व नहीं हुई, जो लेड सल्फेट बना दैट स्टिक टू द इलेक्ट्रोड, लेड के ऊपर ही ये लेयर बनाएगा लेड सल्फेट। ठीक है बच्चे, ये इसका नेट रिएक्शन है बच्चे, दोनों स्टेप्स को जोड़ के लेड टू पॉजिटिव प्रोडक्ट साइड, लेड टू पॉजिटिव रिएक्टेंट साइड कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इज द नेट रिएक्शन। अगर आप सीधा नेट रिएक्शन एग्जाम में लिखना चाहते हैं वो भी आप लिख सकते हैं, वो आपकी चाहिए सर। उसके बाद एड कैथोड क्या होगा, कैथोड किसकी बनी है बच्चे, लेड डाइऑक्साइड। इलेक्ट्रोलाइट आपका कौन सा है, H2SO4। H2SO4 ने क्या दिया है बच्चे, एच पॉजिटिव आयन, तो दीज एच पॉजिटिव आयन गो टू द कैथोड। और इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है एनोड से ट्रेवल करके कहाँ आ रहे हैं, कैथोड पे। तो लेड डाइऑक्साइड एच पॉजिटिव एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर कमिंग फ्रॉम द एनोड दे रिएक्ट टू फॉर्म लेड टू पॉजिटिव एंड वाटर। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात याद रखें बच्चे कि यहाँ पे लेड डाइऑक्साइड में जो लेड है वो प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो यहाँ पे कौन सी स्टेट में बच्चे, प्लस टू। आप सोचेंगे एच के ऊपर वन पॉजिटिव चार्ज, तो फोर एच है तो फोर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन तो दो ही है, तो दो पॉजिटिव चार्ज मतलब दो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, इसका दो पॉजिटिव चार्ज एक्सेस में हुआ तो दो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए बच्चे, यहाँ से लेड डाइऑक्साइड, लेड इज इन प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट और प्लस फोर से किसमें जा रहा है बच्चे, प्लस टू में, दो इलेक्ट्रॉन इसने खुद से लूज किए हैं यहाँ लेड डाइऑक्साइड ना, तो लेड डाइऑक्साइड किसमें कन्वर्ट हुआ बच्चे, लेड टू पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया बच्चे, लेड टू पॉजिटिव प्लस वाटर। तो इसने अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को भी चेंज किया, कैथोड के तौर पे भी काम किया बच्चे, इलेक्ट्रॉन जो एनोड से आए वो एच पॉजिटिव ने गेन किए और साथ साथ में जो लेड डाइऑक्साइड है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेंज हुई फ्रॉम प्लस फोर टू प्लस टू। लेड टू पॉजिटिव जैसे ही बनेगा, आपको पता है इलेक्ट्रोड्स को कौन सराउंड कर रहा है, H2SO4, तो जैसे ही लेड टू पॉजिटिव बनेगा इट कंबाइन विद द सल्फेट टू नेगेटिव टू फॉर्म लेड सल्फेट। तो एनोड पे भी लेड सल्फेट बना बच्चे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और कैथोड पे भी क्या बना बच्चे, लेड सल्फेट, इट स्टिक टू द इलेक्ट्रोड। तो हमारी दोनों इलेक्ट्रोड चाहे एनोड है चाहे कैथोड है, दोनों किसमें कन्वर्ट हो गई, लेड सल्फेट। एनोड के ऊपर भी एक लेयर आ गई लेड सल्फेट की, कैथोड के ऊपर भी एक लेयर आ गई किसकी बच्चे, लेड सल्फेट। अब इसी वजह से हम इन इलेक्ट्रोड्स रिएक्शंस को रिवर्स कर पाए, क्योंकि हमारी इलेक्ट्रोड्स डिसॉल्व नहीं हुई। ये मैंने बच्चे अब ओवरऑल रिएक्शन लिखा है दोनों इक्वेशंस को जोड़ के, ये आप खुद लिख सकते हैं, इक्वेशन वन इक्वेशन टू, नेट रिएक्शन ऑफ एनोड नेट रिएक्शन ऑफ कैथोड। ठीक है बच्चे, ये ओवरऑल रिएक्शन आ गया, यू राइट इट ऑन योर सेल्फ। उसके बाद जैसा मैंने बताया आपको कि लेड सल्फेट इज सॉलिड, therefore it sticks to the electrode and hence it can either, अब इसकी एक और खासियत देखें यहाँ पे, lead sulfate में lead plus two oxygen state में है, it can either gain or lose electron, when it gain electron it act as, ये किसका काम करेगा बच्चे, cathode का, when it lose electron it act as anode, ये anode का काम करेगा। lead two positive, carbon family के element है, carbon, silicon, germanium, tin and lead, है ना, तो ये प्लस टू ऑक्सीजन स्टेट भी शो करता, प्लस फोर भी और जीरो भी। जो लेड सल्फेट है इट कैन एक्ट एज एनोड, इट कैन एक्ट एज कैथोड, दोनों काम कर सकता है, ये इसकी खासियत है बच्चे, एनोड का भी और कैथोड का। ठीक है, हेंस ड्यूरिंग रीचार्जिंग इलेक्ट्रोड रिएक्शन गेट रिवर्स, जब आपने इस सेल को रिचार्ज करना, रिचार्ज की जरूरत कब पड़ेगी बच्चे, आप इस रिएक्शन को देखें, जो आपका नेट रिएक्शन है,
इसमें क्या देखा आपने, इसमें आप देखें जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो आहिस्ता आहिस्ता से कम हो रहा है। करंट किसने कैरी करनी है, इलेक्ट्रोलाइट ने, इलेक्ट्रोलाइट ही हमारा कंज्यूम हो रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता से कंसेंट्रेटेड जो 38% H2O4 है उसकी कंसेंट्रेशन फॉल करेगी। साथ साथ में जो हमारी इलेक्ट्रोड्स हैं उनके ऊपर कौन डिपॉजिट हो रहा है बच्चे, लेड सल्फेट। एक स्टेज ऐसी आएगी जब H2SO4 की कंसेंट्रेशन एक पर्टिकुलर लिमिट से नीचे चली जाएगी, देन सेल नीड्स द रीचार्जिंग, उस वक्त इस सेल को रीचार्ज करने की जरूरत पड़ेगी, उस वक्त हमें इसमें इलेक्ट्रिक करंट खुद से पास करनी पड़ेगी। एंड व्हेन वी पास द करंट, यहाँ पे लिखा हुआ बच्चे कि जब कंसेंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 1.20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब रह जाएगी, बैटरी नीड्स रीचार्जिंग, एट दिस स्टेज बोथ इलेक्ट्रोड्स गेट कवर्ड विद लेड सल्फेट। इस स्टेज पे दोनों इलेक्ट्रोड्स कवर अप हो जाएंगे किससे बच्चे, लेड सल्फेट, है ना। इट कैन नॉट नाउ एक्ट एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसकी वोल्टेज ड्रॉप कर जाएगी जीरो पे। नाउ इट नीड्स रीचार्जिंग, रीचार्जिंग में इस सेल ने एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल काम करना, जो पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड थी अब वो किसका काम करेगी बच्चे, कैथोड का, और जो वहां कैथोड थी वो किसका काम करेगी अब, एनोड का। आप खुद देख सकते हैं बच्चे, एनोड वाला रिएक्शन, ये वाला एनोड वाला रिएक्शन ले लेते हैं हम, एनोड वाला रिएक्शन अगर आप रिवर्स करते हैं, दिस इज एनोडिक रिएक्शन, मैंने कहा ना जब इसने एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल काम करना आपके सेल रिएक्शन रिवर्स होंगे, तो एनोड वाला रिएक्शन ले ले पहले, जब इसको रिवर्स करेंगे इसमें क्या हो रहा है बच्चे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिवर्स मतलब ऐसे लिखना है, यानी कि लेड सल्फेट प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स लेड प्लस SO4 2 नेगेटिव, ऐसे लिखना है। तो इसमें क्या हो रहा है बच्चे, गेन मतलब जो पहले एनोड थी अब वो क्या बन गई, कैथोड। इसी तरह से कैथोड वाली रिएक्शन को रिवर्स करके लिखना है आप, इसी रिएक्शन को रिवर्स करके, दैट इज लेड सल्फेट प्लस 2 वाटर गिव्स लेड डाइऑक्साइड प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस सल्फेट। तो अब कैथोड पे क्या हो रहा है, मतलब जहां पे कैथोड थी अब वहां पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, वहां पे अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जो पहले कैथोड थी अब वो किसका काम करेगी बच्चे, वो एनोड का। ये देखें बच्चे, ये देखें आप खुद देखें, ऐड कैथोड लेड सल्फेट प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, जो एनोड पे रिएक्शन हुआ था उसको हमने रिवर्स करके यहाँ पे लिखा है, इसी तरह जो पहले कैथोड पे हुआ था अब उसको हमने यहाँ रिवर्स करके लिखा है, तो अब ये किसका काम कर रही है बच्चे, एनोड का। पूरी रिएक्शन को रिवर्स करके लिखा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपने मेन रिएक्शन याद रखने हैं ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग वाले, तो रीचार्जिंग में आपने उन्हीं रिएक्शन को रिवर्स करके लिख देना है, ठीक है बच्चे। रीचार्जिंग इज पॉसिबल, जैसे मैंने पहले बताया आपको, बिकॉज लेड सल्फेट फॉर्म ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग इज ए सॉलिड एंड स्टिक्स टू द इलेक्ट्रोड, हेंस इट कैन आइदर टेक अप और गिव इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ले भी सकता, लेगा इट विल एक्ट एज कैथोड, लूज करेगा इट विल एक्ट एज एनोड। यहाँ पे देख लें आपको बच्चे, लेड सल्फेट से बना लेड डाइऑक्साइड, मतलब प्लस 2 से किसमें गया, प्लस 4 में, इट एक्ट एज एनोड, लूज किए इलेक्ट्रॉन, लेड सल्फेट प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गया लेड में, इलेक्ट्रॉन गेन किए, इट एक्ट एज कैथोड। जो मैंने इसके ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव दिए हैं, ये मैंने दिए हैं व्हेन इट एक्ट एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपको पता है जो पॉजिटिव पोल है वो कैथोड है और जो नेगेटिव पोल है वो क्या है बच्चे, एनोड है। होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे, अनदर सेकेंडरी सेल निकल कैडमियम सेल। थैंक यू वेरी मच।